जय हिंद। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशन जो था उसका रूट्स को हम लोगों ने फाइंड किया था। उसके रूट्स को, जो भी दो रूट्स निकलते थे उसके रूट को हम लोगों ने फाइंड किया, तो ये हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड के माध्यम से सीख लिया था। उसी में मैंने बोला भी था आप लोगों को कि इसके बाद का वीडियो जो आएगा वो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से होगा, जो कि जिससे हम लोग रूट्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मान लेते हैं कि कोई इक्वेशन है मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन है इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ये इक्वेशन है। हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, आइए सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, ये है डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसका ये फॉर्मूला है। लेकिन एक कंडीशन इसमें दिया गया है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए या फिर जीरो के इक्वल होना चाहिए, जीरो से स्मॉलर नहीं होना चाहिए, जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे चलिए इधर से, कि b जो है मेरा वो हमेशा जीरो से बड़ा या फिर इक्वल्स टू हो सकता है, उसका होना चाहिए, छोटा उससे कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये जो d निकाला हम लोगों ने, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो हम लोगों ने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड कर लिया, ठीक है। देखिए, d से डिस्क्रिमिनेंट, स्पेलिंग में लिख देता हूं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ये है डिस्क्रिमिनेंट। उसके बाद जो हम लोग इससे निकालेंगे, हम लोग इससे जो रूट्स निकालेंगे उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्या होगा उसका, देखिए पहला रूट को हम लोग अल्फा बोल सकते हैं, ठीक है, और दूसरा को हम लोग बीटा बोल सकते हैं, ठीक है। अल्फा इक्वल्स टू क्या हो सकता है, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू ए, और बीटा इक्वल्स टू भी यही होगा, बस थोड़ा सा अंतर होगा इसमें, यहां माइनस रूट डी हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2a। ये इसका फॉर्मूला है, आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप लोग याद कर लीजिएगा इस फॉर्मूले को, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, यहां इस तरह से होगा, ये d के जगह पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको कि माइनस बी, डी के जगह पर जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग लिख देंगे, यहां होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, और इसको भी उसी तरह लिख देंगे, बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और डिवाइडेड बाई 2a। इस फॉर्मूला को आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और उसको देखेंगे, इस फॉर्मूले के माध्यम से उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग रूट्स को फाइंड कर सकते हैं इसके माध्यम से। देखिए, एक चीज होता है, बता देता हूं मैं आप लोगों को, कि कभी कभी ना फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोगों को कोई भी किसी भी इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो फाइंड करने में थोड़ा लॉन्ग जाता है, बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उस स्थिति में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड है इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये जो है आपका ये जल्दी आंसर आप लोगों को दे सकता है फैक्टराइजेशन मेथड के माध्यम से। कुछ क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस में तो फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल इजी पड़ेगा, इससे भी ज्यादा इजी वो होगा, लेकिन जिस क्वेश्चन को आप फैक्टराइजेशन मेथड के माध्यम से सॉल्व नहीं कर सकते हो तो उसका आप आसानी से इससे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये कंडीशन इसमें जो दिया है ना, डी हमेशा होना चाहिए जीरो से बड़ा या फिर इक्वल्स टू होना चाहिए, जीरो से छोटा अगर डी हो गया तो फिर वो फाइंड ये नहीं कर सकता है, ठीक है। और जो डी है वो रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है, जीरो से वन टू थ्री फोर फाइव पूरा मतलब क्या बोले इनडिफिनिट तक हो सकता है, बट वो होना चाहिए। चलिए, आप लोगों ने ये फॉर्मूला समझ गया होगा, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम रूट फाइंड कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड का यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 9x² + 7x - 2 = 0, यही दिया है इसमें। चलिए, हम लोगों को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग डी फाइंड करेंगे, ठीक है, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये होता है, ठीक है, बी के जगह पे 7 है यानी कि 49 हो जाएगा 7 का स्क्वायर। चलिए, इसको लॉन्ग वे में थोड़ा बता देता हूं, पहली बार बना रहा हूं इसलिए, ठीक है। चलिए, 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे 9 है, ठीक है, और सी के जगह पे माइनस 2 है। देखिए, सी के जगह पे माइनस 2 लेंगे क्योंकि हम लोगों का जो फॉर्मूला था वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये होता है प्लस सी होता है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस के जगह प्लस सी के जगह पे माइनस 2 है, इसलिए हम लोग पूरा माइनस 2 को लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 49
ये इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो माइनस और माइनस डबल है इसलिए प्लस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो 1 7 4 11 और 1 12, तो 1 2 1 आ रहा है। देखिए अब ये तो जीरो से बड़ा है, ठीक है, इक्वल्स जीरो से बड़ा है ये, ठीक है, यानी कि हम इस डी का यूज कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, इसका रूट निकाल सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब अल्फा के जगह पे बैठाते हैं माइनस बी प्लस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूला होता है। चलिए माइनस बी के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस 7। अगर देखिए अगर यहाँ पे माइनस 7 रहता तो हम माइनस माइनस प्लस 7 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, उसका ध्यान रखिएगा आप लोग। प्लस है रूट अंडर डी, डी मेरा आया 121, तो 121 लिख देते हैं यहाँ पे, और 2 इंटू ए आया मेरा क्या है 9 है, ये हो गया इस तरह से। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो माइनस 7 121 का रूट क्या होता है 11 होता है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 18। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 4/18 आ रहा है, जब इसको कट करेंगे तो नहीं, यानी कि 2/9 पहला रूट हम लोगों के पास आ गया है, ठीक है, 2/9 है, ठीक है। उसी तरह हम लोग बीटा इसका निकाल लेंगे, मतलब सेकंड रूट। देखिए अल्फा और बीटा जो हम लोग इसका मान रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि रूट का नाम ही अल्फा और बीटा होता है, ऐसा नहीं है, उसको मान के चल रहे हैं कि इसका जो दो रूट निकलेगा वो एक अल्फा मान लेते हैं और एक बीटा मान लेते हैं, इस आधार से इसका है, ठीक है। तो देखिए बीटा इक्वल्स टू, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, माइनस बी माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाय 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी के जगह, फिर सेम इसी तरह का प्रोसेस होगा, ठीक है, 121 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 इक्वल्स टू हो जाएगा ये माइनस 7 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 18। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा माइनस 18 और डिवाइडेड बाय 18, ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि माइनस 1 आया। तो देखिए दो रूट जो निकला मेरा, एक तो निकला 2/9, ठीक है, और दूसरा रूट क्या निकला मेरा माइनस 1 निकला। तो इस तरह से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब एक चीज ध्यान रखिए, जो रूट आया इसको हम सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं, कि ये जो दोनों है ये सॉल्यूशन है इसका। सॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि रूट को फाइंड करना, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करने का मतलब कि उसका रूट फाइंड करना, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं उसको, तो सॉल्व हम किस तरह से कर रहे हैं, उसका रूट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्यूशन भी बोला जा सकता है। अगर आपके क्वेश्चन में अगर ये रहे सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है, तो वो भी होगा 2/9 और माइनस 1, या आपको बोल दे कि दो रूट बताइए इसका फाइंड करके, तो दो रूट जो आएगा मेरा वो भी होगा 2/9 और माइनस 1 होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका हम लोगों को रूट फाइंड करना है, वो है 2x² प्लस 5√3x और फिर है प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये है हम लोगों के पास, हम लोगों को इसका रूट फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग डी फाइंड करते हैं, डी क्या हो जाता है b² - 4ac। बी अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, b² यानी कि 5√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, b² - 4ac, a है मेरा कितना 2 और c है मेरा 6, ठीक है, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, तो 5√3² हो जाएगा ये, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 25, 3 = 75, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 6 = 4 = 24 और 48 हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए इसको जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कितना आता है ये, तो ये 27 हो रहा है, ठीक है, 15 में 8 तो 7 और 6 में 4 तो 2, ठीक है, 27 आ गया मेरा डी। चलिए ये हो गया, अब हम लोग इसका रूट फाइंड करना शुरू करते हैं। अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, ठीक है। अब चलिए माइनस बी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस फाइव रूट थ्री प्लस रूट डी है तो √27 डिवाइडेड बाय 2 × 2, चलिए हो गया ये। उसके बाद ये हो जाएगा 5√3 प्लस √27। अब देखिए √27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग 3√3 लिख सकते हैं, ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं −5√3 और प्लस 3√3 डिवाइडेड बाय 4। अब −5√3 और प्लस 3√3 है तो ये हो जाएगा मेरा कितना 2√3/4 हो जाएगा ये, ठीक है। अब 2 से 4 कैंसिल तो ये हो जाएगा √3/2, ठीक है, √3/2 आया मेरा आंसर वहां पे, ठीक है, जो पहला रूट आया वो मेरा आया √3/2 आया, और एक चीज आया कि वो माइनस में होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि −5√3 था यहाँ पे तो, और यहाँ +3√3 था तो −√3/2 आया, इसको यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा, ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू क्या आया मेरा −√3/2 आया, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए बीटा हम लोग निकालते हैं इसका, ये होता है माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए, ठीक है। तो यहां हो जाएगा माइनस फाइव रूट थ्री, ये हो जाएगा माइनस रूट ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाई टू इंटू टू हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस है, उसी तरह कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। माइनस फाइव रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री डिवाइडेड बाई फोर, अब देखिए दोनों माइनस में है तो ये एड हो जाएगा, यानी कि माइनस एट रूट थ्री बाय फोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कैंसिल जब करेंगे तो ये हो गया, यानी कि ये आ गया माइनस टू रूट थ्री, ठीक है। तो बीटा जो आया मेरा, बीटा क्या आ गया माइनस टू रूट थ्री। तो ये जो दोनों आया ना, यही इसका रूट कहलाया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू, बीटा इक्वल टू माइनस टू रूट थ्री, ये दोनों आया। अगर हम इसको अब देखिए ध्यान से, अगर इन दोनों वैल्यू को हम अगर एक्स के जगह पे फाइंड अगर पुट कर देते हैं तो मेरा इक्वेशन जो है टोटली जीरो हो जाता है। तो इससे हम इस तरह से भी हम बोल सकते हैं इसको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था उसका ये रूट हुआ और ये उसको जीरो, समझिए एक तरह से प्रूफ कर रहा है कि अगर हम एक्स और एक्स के जगह पे हम किसी भी एक अल्फा या बीटा का वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो वो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है पूरी तरह से जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह का डिस्क्रिमिनेंट मेथड है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड जो आप लोगों को मैंने बताया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करने में आप लोगों को उसका सॉल्यूशन फाइंड करने में या रूट फाइंड करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड। क्योंकि कुछ कुछ जगह पर ऐसा होता है, मैंने पहले भी बताया और फिर से बता रहा हूँ कि कुछ कुछ जगह पर ऐसा होता है जिससे आप फैक्टराइजेशन मेथड के माध्यम से आप निकालोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग बनेगा। तो आपको तो एग्जाम्स में कम समय में आपको जल्दी आंसर लाना होता है, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो डिस्क्रिमिनेंट मेथड का, और इससे आसानी से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है वो फाइंड कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आज समझ में आ गया होगा आप लोगों को जो भी मैंने बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।